सुबह तक हम लोग ऑपरेशन पॉइंट तक क्लियर पहुंच गए। रिटर्न आते समय थोड़ा सा पानी वानी पी के जाएंगे ऐसा करके वहाँ एक टेकरी में बैठे थे, उसी टाइम गांव की ओर से आके वो बटालियन जो नक्सलियों का वो हमको पहाड़ में ही घेर दिया। घेर के फिर बम एसी ये ग्रेनेड वगैरह फेंकने लगे तो पहाड़ के ऊपर ही हम लोग आधे से ज़्यादा लोग घायल हो गए। फिर हम लोग सोचे यहाँ से रहने सब लोग मर जाएंगे, अब यहाँ से निकलना चाहिए, एम्बुस तोड़ना चाहिए। गांव के ओर मैदान था उस साइड एम्बुस लगा था, हम लोग उनका एम्बुस को तोड़ते हुए निकले। वहाँ पर कुछ जवान घायल हो गए, उनका भी डेड बॉडी गिरा, हमारे तरफ से डेड बॉडी गिरा था। उसके बाद कुछ लोग घायल वालों को गांव में आके घर में ट्रीटमेंट कर रहे थे उस टाइम, और एची वगैरह फेंकने लगे जंगल की ओर से। फिर उस टाइम घायल वालों को लेकर निकलना करके हम लोग आ रहे थे, खेत था मैदान था, हम लोग को आड़ नहीं मिला, बस उनको उनके लिए अच्छा आड़ था। वहाँ से हम लोग फायर करना शुरू किया, बहुत हैवी फायर था और हम लोग को ज़्यादा नुकसान हो गया। कितना घंटा ऐसे फायरिंग हुआ, फिर बॉम्बिंग भी हुआ बोल रहे थे ग्रामीण लोग ने? वो तो 10:30-11 बजे के आसपास से स्टार्ट हुआ, उस 3:30-4 बज गए कंटिन्यू। आपके साथ गए थे जो शहीद हो गए उसको कैसे लाए, फिर रात भर कितने बजे पहुंचे आप बीजापुर, मतलब सेफ प्लेस में? वो जो शहीद हुए उनको नहीं ला पाए, सुबह जाके लाए, जो घायल थे उनको लेके आ गए। उन लोग चारों तरफ से घेर दिए थे, लाने नहीं दे रहे थे शहीद। नक्सली थे वो, कितना नक्सली थे वो जंगल में, उनका पास क्या क्या हथियार था? पूरा ऑटोमेटिक हथियारों से लैस था, एची था, मोटारमन था, अच्छा अच्छा ऑटोमेटिक वेपन के पास था। वहाँ कितना संख्या के माओवादी थे? संख्या 300-400 तो था ही होगा, हम लोग भी 400 लोग लगभग गए थे, तो हमको घेर दिया था पूरा, मतलब अच्छा ही ना फिर रहा होगा उनका, तो उनका संख्या आपसे ज्यादा होगा, हो सकता है। उसमें कितना माओवादी मरेगा, आप कुछ माओवादी का डेड बॉडी देखे क्या? हाँ देखे। कितना मरेगा शायद आपको? 4-5 लोगों को तो वैसे उठा के खींच के ले जाते हुए देखे हम लोग, जहाँ गिरे थे मैदान में वहाँ से। हाँ तो आप जो कितने बजे पहुँचे इधर सेफ प्लस? हम लोग तर्रेम थाना में शाम के ही पहुँचे, करीबन 6:30 बजे करीब। आपका एक साथी जवान अभी उन लोग के पास है, तो क्या अपील करेंगे आप? जी अपील कर रहे हैं, वो न्यूज में बोल दिया मैंने कि छोड़ देंगे उसको, कुछ नहीं नुकसान करेंगे। छात्र जवान कैसे लिए वो लोग, कैसे पकड़े लिए उस मालूम है? थोड़ा तालमेल में इधर उधर हो गया, इधर अपरा तफरी हो गया, तो कोई वहाँ भटक गया होगा जंगल में, नया रास्ता था। आप आंखों में कितना नक्सल देखे आपको सामना सामने मुठभेड़ में? 100-150 के आसपास। अब गोली आपको गोली कहाँ लगी? गोली मैदान में जहाँ मैं मौवा पेड़ के पास पोजीशन लिया था वहाँ पर लगी मेरे को, हाथ में गोली लगी। तो आपके साथ जो जवान था, जो आपका टीम में कितना जवान को गोली लगी? मेरे को जब गोली लगा उसके बाद कितने लोग घायल हुए ये मेरे को नहीं मालूम, जब मेरे को यहाँ लाए थे। आपको कौन लेके आया, ना खुद आया? वहाँ से दो लोग मेरे को पकड़ के लाए, इस पर पहुँचने के बाद थोड़ा पसीना उसीना मेरे को कम हुआ, हल्का हो गया शरीर, उसके बाद थोड़ा मैं पैदल चला के आ गया वहाँ से। जो गोली चल रहा था ग्रामीण ने बोल रहा था जो गोली बारिश हो रहा है, फिर बॉम्ब का भी उधर बारिश हो रहा था, उस टाइम अंदर थे आप कैसे फील, मतलब लड़ाई करने गए थे फिर उस टाइम से जवान साथी जवान का लड़ाई कर रहे थे, सामने नक्सल है, उस टाइम आपका फीलिंग कैसे था? अब वो सामने आ गए, मन में एक ही बात था, लड़ेंगे तभी जीतेंगे, अगर नहीं लड़ेंगे तो मरेंगे। तो कितना टाइम लड़ाई हुआ? सुबह 10:30-11 बजे स्टार्ट हुआ है, कंटिन्यू चलता रहा, बीच में थोड़ा सा ट्रीटमेंट किए घायल लोगों के मुझ तोड़ने के बाद, उस टाइम ब्रेक था 15-20 मिनट का, उसके बाद फिर कंटिन्यू चालू हुआ तो 3:30 बजे तक लगा था। आपका पास वेपन क्या था, कितना बंदूक, क्या हथियार लेके आप लड़ रहे थे? हम लोग SLR के 47 लेके लड़ रहे थे। कितना गोली आप खुद चलाई माओवादी ने? 120 गोली लगी चलाई। आप कुछ आपका साथी जवान को रखे क्या है, क्या आप फ्रंट फुट में थे, पीछे आपका जवान था ना, आपका टीम आगे था पीछे था? आगे टीम, बाद में कोई टीम नहीं रहा, सब मिक्स हो गए जब गोली चलने लग गया, स्टेप कोबरा DRG सब मिक्स हो गए, कोई टीम नहीं रहा, फिर जो जिधर चला रहा है किधर से गोली आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा था।